इसको हम साइंस कहते हैं। आप कह रहे हैं साइंस तो केवल प्रैक्टिकल्स पर विश्वास करती है, थियरी पर विश्वास नहीं करती। हमारी जो साइंस है, हमारी जिसको हम साइंस बोलते हैं, वो पूरी तरह से मटेरियल चीज़ों की पढ़ाई है, फिजिकल कंपोनेंट्स। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको पता है बायोलॉजी में सेल्स होते हैं और सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है। जब तक वो मेम्ब्रेन जिंदा रहता है, मतलब लाइव सेल्स होता है, तब तक उसकी अलग तरीके से बिहेवियर होती है, और जैसे ही उसको आप बॉडी में से निकाल कर डेड सेल की तरह पढ़ाई करेंगे, वो अलग तरीके से बिहेव करती है। हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं एक लाइव प्रोसेस की? हम केवल डेड चीज़ों की पढ़ाई करते हैं और उसी को हम साइंस बोलते हैं। और डेड चीज़ें ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हैं। जैसे लकड़ी है, इसको मैं मार सकता हूँ, ये वैसे ही बिहेव करेगा जैसे मैं मारूंगा। अगर मैं जला दूंगा तो जल जाएगा, काटूंगा तो कट जाएगा। लेकिन एक आदमी को जलाइए तो हो सकता है कभी वो आदमी रोए, कभी आपको माफ कर दे। अ ह्यूमन बीइंग इज अ लाइव प्रोसेस, एंड लाइव प्रोसेस इस चमड़ी की वजह से नहीं है। ये चमड़ी तो अभी भी उसी गेहूं आटा चावल का बना हुआ है। गेहूं चावल आटा इज अ डेड प्रोसेस। वो डेड प्रोसेस इस स्किन के फॉर्म में, टिश्यूज के फॉर्म में बनाया कैसे है? द पीपल हु आर मिस्टिक्स, दे हैव एक्सपेरिमेंटेड, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। बट वो एक्सपेरिमेंट्स हमारे और आपके इमेजिनेशन के बियॉन्ड हैं, और मैं चाहता हूं, मैं भी आपसे उसी पर बात करने वाला हूं कि कैसे आप इन एक्सपेरिमेंट्स को बहुत छोटे लेवल पे कर सकते हैं। बट इसलिए नहीं क्योंकि आप अघोरी बनना चाहते हैं, बट इसलिए बिकॉज आप जानना चाहते हैं कि क्या हमारी पढ़ाई में, सॉरी पढ़ाई छोड़िए बिकॉज स्कूल में, हमारी लाइफ में इन चीज़ों से कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है। मैं आपसे बहुत बार बोल चुका हूँ, मैंने बहुत से लोगों से बहुत बार बोला है कि मेरी लाइफ बहुत मिजरेबल थी, पढ़ाई करने में मैं बहुत कमज़ोर था। क्लास सिक्स तक तो मैं ऑलमोस्ट दो या तीन सब्जेक्ट में फेल होता था। मेरे माँ बाप इतने परेशान हो गए थे कि मुझे उठाकर यहाँ से इलाहाबाद से बॉम्बे लेकर चले गए, क्योंकि वहाँ पर मेरे मौसा स्कूल के टीचर थे और उन्हीं के स्कूल में मुझे डाल दिया गया कि वो पीट पीट कर मुझे पढ़ाएंगे। और वहाँ पर भी मेरी हालत नाइन्थ, एट्थ और नाइन्थ में फेल ही होता रहा। ये सिलसिला फेल पास किसी तरह से कुछ कुछ नंबर पाकर ये सिलसिला चलता रहा ऑलमोस्ट टिल माई MBBS एंड। मैंने MBBS ख़त्म किया तो बड़ा मिजरेबली ख़त्म किया। मुझे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, किसी को मतलब बहुत कम लोगों को पसंद होती है। बट उसके बाद एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस मुझे आया, वो जेन योगा के थ्रू आया। आपको मैंने बहुत बार दिखाया ना ये बुक, इसको मैंने जब पहली बार उठाया था तो जैसे आप कह रहे हैं ना साइंस, ऐसे इसमें एक साइंस की चीज लिखी थी जो मुझे विश्वास कर गया, बिकॉज मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं। मैं साइंस इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये सब भाषा हम लोग को अच्छी लगती है। बताओ कौन सी भाषा? एक्स इज इक्वल टू वी ब्रैकेट में जी के माइनस पी प्लस वी, ऐसा एक बड़ा सा फॉर्मूला है, एक बहुत बड़ा मुश्किल एल्गोरिदम है। और ये जो ए वी बी सब है, ये क्या है पता है? इसमें जी इज इक्वल टू द एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ स्मिथ्स रिजल्टेंट इंटेंसिटी, के इज इक्वल टू द कर्मा ऑफ द वर्ल्ड वेयर स्मिथ लिव्स, डब्ल्यू इज द प्रोपेंसिटी ऑफ द स्मिथ्स थॉट पैटर्न्स, एल इज द स्मिथ्स लाइफ पैटर्न विच इज नॉट मोर देन 100 ईयर्स, एस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट टू द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट विद विच द स्मिथ एक्चुअली लिव्स, R is equal to the above planet's speed of rotation on its own axis, P is equal to the speed of the above planet's rotation revolution and its center point. ऐसे बक 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 कोई करेगा तो हम लोग बोलते हैं साइंस है, साइंस है। चाहे हमको समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन साइंस होगी यार, क्यों रहो, बहुत बड़ा आदमी है, स्क्वायर रूट जानता है। पता है जो एंशियंट पढ़ाई होती थी, मैं आपको मॉक नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को मॉक कर रहा हूं। हम सब साइंटिफिक वर्ल्ड में जब पढ़ते हैं तो हम लोग एक अलग तरीके के ग्रुप में आ जाते हैं। एक तो होते हैं वो सुपरस्टिशियस लोग, बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम लोग नहीं काट जाते। एक हम होते हैं, हम भी वैसे ही होते हैं, लेकिन हमको बिल्ली रास्ता काटते नहीं, हम बोलते हैं एक्स इज इक्वल टू ये काम करो, हाँ एक्स इज इक्वल टू हम ये करेंगे। अगर डॉक्टर ने बोल दिया ये दवाई खाने से तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म, तो हम खा लेंगे चाहे उससे हमको साइड इफेक्ट हो। पूरी मेडिकल इंडस्ट्री इसी पर काम कर रही है, आएगी
कुछ कुछ चीज़ें बताई गई, इसमें बहुत नए नए केमिकल्स हैं, बहुत और पता है ये जो एंटीबायोटिक्स हम लोग देते हैं डॉक्टर्स मरीजों को, उसमें से अब बैक्टीरियाज भी इंटेलिजेंट हो गए, अपने आप को इन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ तैयार कर देते हैं. साइंस इज नॉट समथिंग टू बी स्टडीड, साइंस इज समथिंग टू बी एक्सपेरिमेंटेड. अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कुछ छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके उसका आपको रिजल्ट आएगा, लेट्स से मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ क्या करके आपको एक्चुअल रिजल्ट आएगा मिस्टिकल एक्सपीरियंस का. आप रात को किसी दिन खाना कम करिए, रात को ठूस का खाना मत खाइए. हम लोगों का मेन जो खाना होता है रात का होता है ये, बल्कि मैं नहीं अक्षय कुमार कहते हैं. अक्षय कुमार इज अ वेरी स्ट्रांग एंड अ वेरी एक्टिव मैन, पता है ना, इज अ ब्लैक बेल्ट, कराटे ब्लैक बेल्ट है. सुबह 4 बजे उठ जाते हैं. ही सेज मैं 4 बजे शाम को 4 बजे के बाद कुछ खाता ही नहीं, बिकॉज बॉडी के अंदर में जो हमारे गैंग्लियंस होते हैं, ब्रेन सेल्स होते हैं, उनको रीफ्लेनिश होने के लिए स्लीप का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. स्लीप में होता क्या है पता है, हम अपने मॉलिकुलर बॉडी में से फिजिकल बॉडी को अलग करते हैं काफ़ी टाइम के लिए, और वो जो मॉलिकुलर बॉडी है वो कोई एलिमेंट इकट्ठा करती है जो बहुत लाइफ से भरा होता है, प्राणा से भरा होता है. और अगर हमने खाना खा लिया है ठूस कर, तो हमारी बॉडी को मॉलिकुलर बॉडी चाहिए, इसलिए बेकार बेकार सपने आते हैं हमको अगर हमने ज़्यादा खाना खा लिया. तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिएगा, एक दिन में नहीं, करीब हफ्ते 10 दिन के लिए, जब भी आपको मौका मिले खाना बंद मत करिए, खाली खाना कम करके देखिए. आप देखेंगे आपकी सुबह नींद ज़्यादा फ्रेश खुलेगी. ये हो सकता है कभी ना खुले कभी खुले, बट इसको आप रेगुलरली करके देखेंगे, दिस इज साइंस. साइंस मतलब क्या, आप कुछ हाइपोथेसिस लो, मैंने आपको एक हाइपोथेसिस दिया कि आप कम खाना खाएंगे तो नींद जल्दी खुलेगी. अब उस हाइपोथेसिस पे आप एक्सपेरिमेंट करिए, आप खाना कम करके देखिए. डॉक्टर्स भी तो यही बोलते हैं ये एक दवा है और अगर ये खाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे, तो आप उस हाइपोथेसिस पे विश्वास करके आप खा लेते हो दवाई. स्कूल में भी तो यही होता है कि अगर आप इस हाइपोथेसिस पे इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस पढ़ लोगे तो तुम्हारा करियर बहुत अच्छा हो जाएगा. कितने लोगों का करियर अच्छा हुआ है, बट हम इसलिए क्यों विश्वास करते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू डो 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 डो. मेरा खाली ये कहना है इनको रिजेक्ट ना करें, इन चीजों को रिजेक्ट ना करें, एक्सेप्ट मत करें बट रिजेक्ट भी ना करें. मैं आपको एक साइंस की बात बताता हूं, उससे शायद आपको कुछ क्लियर हो जाए. आज से करीब 20 साल पहले एक साइंस का डॉक्टर था, साइकेट्रिस्ट, जैसे मैं हूं एमबीबीएस एमडी, वैसे वो एमबीबीएस एमडी था, साइकेट्रिस्ट, इंग्लिश डॉक्टर, डॉक्टर ब्रायन वीस. और वो कोई ऐसा पास्ट लाइफ, सेकेंड लाइफ, री इंकारनेशन पर विश्वास नहीं करता था. वो अपने पेशेंट्स को जिनको एंग्जाइटी होती थी, डर होता था, उनको उनके पास्ट में ले जाता था, मतलब उनके 2 साल पहले 3 साल पहले, ये पॉसिबल है, आपको हिप्नोटाइज करके आपके पास्ट के मेमोरीज में ले जा सकते हैं. तो मैक्सिमम हम कहाँ ले जा सकते हैं, एक बचपन की मेमोरी में. तो ले गया एक पेशेंट को, कैथरीन नाम की पेशेंट थी, उसको उसने हिप्नोटाइज किया. वो देखना चाहता था कौन सी इसके लाइफ में कोई बड़ी दुर्घटना हुई होगी जिसकी वजह से इसकी मेमोरी में कोई डरावना पन इकट्ठा हो गया, जैसे अभी कल जो एक्सीडेंट हुआ, बहुत से लोग डर गए होंगे. भाई लास वेगस में जो शूटिंग हुई है, बहुत से लोग गन को देख करके डर गए होंगे. मेरा भाई है, उसने कार का एक्सीडेंट कर दिया था बहुत बड़ा, उसके बाद उसने करीब 2 साल तक कार नहीं चलाई. हम डर जाते हैं बहुत सी चीज़ों से. तो वो जब पास उसको यंग एज में ले जा रहा था, अचानक से वो बोलती है मैं बूढ़ी औरत हूँ, आई एम 65 ईयर ओल्ड, एंड हर क्लोथ्स वर ऑफ वेरी ओल्ड एज, आज से 1000 साल पहले का. इसको कुछ विश्वास ही नहीं हुआ. इसने बार बार उसको बोला तुम कहाँ हो, क्या हो, ऐसे करके उसने 84 टाइम्स उसको अपने क्लिनिक पे बुला करके उसको पास में लेकर गया, और बार बार किसी भी उसमें चली जाती थी अजीबोगरीब स्टेट में. एक बार बड़ा अजीब सी चीज़ हुई इसके साथ, वो जब ये इस लाइफ में से कोई और अजीबोगरीब आवाज़ में जाती थी, बीच में गैप होता था, इसकी आवाज़ बदल गई. बोलती है मैं कैथरीन नहीं हूँ, मैं मास्टर हूँ, इंग्लिश में बोला उसने. बोलते मास्टर, बोलते यस, हम दूसरे स्पेस, हमने दूसरे दुनिया से आए हैं, वी आर मच फ्रॉम मच इवॉल्व प्लेसेस, वी नो अबाउट यू, अबाउट योर पास्ट, वी वांट टू टॉक टू यू डॉक्टर ब्रायन वीस. बोलते हैं डॉक्टर ब्रायन वीस, कैथरीन नहीं बोल रही थी. बोलते हैं आप कैसे जानते. बोलती मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, आपका एक बच्चा था जो बहुत यंग एज में मर गया था. कैथरीन उसके बारे में नहीं जानती थी, और उसकी जो डेथ थी, कॉज ऑफ डेथ, उसका हार्ट प्रॉब्लम थी कोई, इसमें हार्ट की एनोमली होती है. तो जो मास्टर था, मतलब जो आवाज़ थी, बोलती आपके बच्चे को जो हार्ट था वो उल्टा था, जैसे चिकन्स में होता है, चिकन्स में जो हार्ट होते हैं वो वेंट्रिकल्स एक ही होता है. तो उस इनके बच्चे को, जो पहला बच्चा था, उनका हार्ट की प्रॉब्लम थी,
इट हैड ओनली वन वेंट्रिकल, इट वॉज एन एनोमली. तो बच्चा एक साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया, इसकी वजह से बहुत परेशान हो गया था बेचारा. ये इसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी चीज़ होता है. देन ही स्टार्टेड स्टडिंग बुक्स. इसने पूरी एक्सपेरिमेंट उस औरत के साथ जो उसने किया एक बुक में लिखा. उस बुक का नाम है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स. बोलता था मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि एक्चुअली रीइंकार्नेशन होते हैं. भगवत गीता को पढ़ने के बाद मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता था कि रीइंकार्नेशन होता है, बट इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे बिल्कुल विश्वास हो गया कि रीइंकार्नेशन होता है. अब मुझे इस चीज को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. अगर इस बुक में, ज़ेन योगा में या अघोरा में या किसी भी जेन्युइन बुक पे आप अगर पढ़ते रहेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन से बुक जेन्युइन है कौन से फेक है. जैसे आपको रेस्टोरेंट में जाके मालूम पड़ जाता है कौन सा साफ है कौन सा गंदा है, देख के मालूम पड़ जाता है. ऐसे जब बुक्स पढ़ेंगे आप बार बार पढ़ेंगे, फिल्मों को देख करके मालूम पड़ जाता है कौन से अच्छी फिल्में हैं कौन सी बेकार फिल्में हैं. सामानों को देख करके मालूम पड़ जाता है कौन सा अच्छा फ़ोन है कौन सा ऐसी बेकार फ़ोन है. ऐसे ही बुक्स के साथ मालूम पड़ जाता है कौन सी जेन्युइन स्टडी है कौन सी फेक स्टडी है. यू हैव टू एक्सपेरिमेंट. साइंस मतलब एक्सपेरिमेंटेशन. आपको ऐसे बहुत देर तक बैठना नहीं है. ज़ेन योगा ने मेरे को बहुत बड़ा हेल्प किया. उसने कहा कि पता है क्या होता है, हमारे जो थॉट्स डिस्टर्ब होते हैं उनका बहुत बहुत गहरा संबंध होता है हमारी ब्रीदिंग से, सांस से. और ये स्कूल में कभी पढ़ाया नहीं जाता. अगर अपनी सांस को, ब्रीदिंग को आप रेगुलराइज कर लें. अभी हमारी जो ब्रीदिंग होती है रेगुलर नहीं होती, कभी तेज कभी ज़्यादा कभी बहुत तेज. लेकिन अगर किसी तरह से ये रिदम में आ जाए, रेगुलर हो जाए, तो आपके थॉट पैटर्न्स और आपके इमोशंस बहुत कंट्रोल भी रहेंगे. ऐसा नहीं है कि आप अपनी माँ बाप से इसलिए लड़ाई करते हैं बिकॉज आप खराब बच्चे हैं, या आपके माँ बाप आपको इसलिए डांटते हैं क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. ना, ज़्यादातर जो कॉज है गुस्से का, फ्रस्ट्रेशन का, वो इररेगुलर रिदम है ऑफ ब्रीदिंग. उसमें एक थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग बताया है इस बुक में. उसमें आपको कुछ करना नहीं है, सीधे लेट जाना है बिस्तर पे या तो ज़मीन पे. दोपहर के समय जब आप सोते हैं उस समय ये आप लेट जाइए, तकिया हटा दीजिए, बिकॉज तकिए से आपकी ये जो नेक है, ट्रकिया, सांस की जो नली है वो बेंड हो जाती है. तकिया हटाकर दोनों हाथ या तो सर के नीचे रख दीजिए, सर के ऊपर रखिए, और एक मोटी सी बुक लेकर यहाँ पर नाभि के पास ऊपर की तरफ, मतलब जो बुक का जो लोअर एज है ये पार्ट आपके नाभि के पास होना चाहिए. और आप कुछ मत करिए. यहाँ पर डायफ्राग होता है, एक मसल होता है डायफ्राग, वो बड़ी सी मसल होती है और उसका काम है अंदर नीचे बेलो की तरह एक वैक्यूम क्रिएट करता है, और उसकी वजह से हमारे अंदर में हवा बढ़ती है. ये जो लंग्स है गुब्बारे की तरह होती है, और ये जो मसल्स हैं रिब्स, ये बहुत कमज़ोर होते हैं, ये सांस नहीं लेते. जो मेन सांस हमारी अंदर जाती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वैक्यूम क्रिएटेड बाई डायफ्राग्म. तो अगर आप डायफ्राग्म पर प्रेशर डालते हैं बुक्स की वजह से, तो डायफ्राग्म ज़्यादा पुश होता है, और जितना पुश होता है उतनी आपकी गहरी सांस आएगी. इसको जब मैंने करना शुरू किया ऐसे कैजुअली किया था मैंने, एक छोटा सा बुक रख लिया था, नींद आ रही थी, नींद चली गई 15-20 मिनट में, नींद चली गई मेरी. फिर मुझे अगले दिन फिर से मैंने किया, ऐसे मैंने बहुत बार किया. एक दिन मैंने किया, मैं डर गया. एक रूम में था मैं जहाँ पर किसी ने सुसाइड किया था बहुत साल पहले हमारे घर में ही. मैं उस रूम में थ्री स्टेप ब्रीदिंग कर रहा था, और तब तक मेरी आदत हो गई थी, आई टू डू थ्री स्टेप ब्रीदिंग फॉर द होल नाइट. मैं सोता भी था, बुक रख के सोता था, और बाद में तो मैंने, आप मत करिएगा, मैंने पत्थर रख के सोना शुरू कर दिया बिकॉज मुझे ज़्यादा वेट चाहिए था. नहीं, घर में वो आते हैं जिसमें मसाला पीसते हैं, तो एक पतला हल्का सा करीब एक किलो का मैंने उठाया, पेट पर रखा, और मेरी एक मिनट में मुश्किल से 4 या 5 ब्रेथ आती थी, मुश्किल से. कहते हैं योगीज की ब्रेथ होती है 4 या 5, और जो अच्छे योगीज होते हैं, एडवांस्ड योगीज होते हैं, वो तो कभी कभी 1 घंटे में भी एक ब्रेथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती उनको, बिकॉज दे नो हाउ टू गेट प्राणा फ्रॉम द एयर विदाउट ऑक्सीजन. तो मैं उसको रख करके सो रहा था, और तभी अचानक से मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं अलग हो रहा हूँ, मेरी बॉडी यही है, मैं हवा में ऐसे लेविटेट कर रहा हूँ. लेविटेशन की फीलिंग थोड़ा स्पेशल होती है. मुझे लगा बॉस मैं मरा, इस कमरे में भूत है, मैं थॉट चल रहा है मेरे मन, भूत है वो मुझे मार रहा है. अब बट डर गया तो डर गया, देन मैंने आँख खोला तो आई वॉज देयर. इस तरह से मेरे साथ बहुत बार हुआ. एक बार मैं थ्री स्टेप ब्रीदिंग कर रहा था बुक्स के साथ, और मैंने अपने आप को अपनी मम्मी के पास देखा, जो मेरी मम्मी 4 बेडरूम के बाद उस कोने में कमरा है उनका, और वो नीटिंग कर रही थी, और मैं ऊपर दूसरे फ्लोर पे 3 स्टेप कर रहा था. फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं जानबूझ के भाग के गया देखने के लिए कि वही ऊन है, वही स्वेटर, वही ऊन कर रही थी, और वही बातें कर रही थी, और वो आंटी भी बगल में उनके साथ चैटिंग कर रही थी, वही सब बातें. देन आई रियलाइज देर इज समथिंग कॉल्ड एज मिस्टिकल विच यू कैन डू अगर आप ब्रीदिंग के साथ काम करें तो.
यू कैन एक्सपेरिमेंट दिस. थैंक यू. हाँ बस स्टॉप कर दिया. नहीं यार मुझे